हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति एंड टुडेज टॉपिक फॉर डिस्कशन इज़ कफ सिरप्स. सो टुडे विल डिस्कस अबाउट कफ सिरप्स. जो फर्स्ट है कॉफरिव AX, उसका कॉम्पोजिशन क्या है? इसका कॉम्पोजिशन 100 ml का सिरप है एंड ईच 5 ml कंटेन्स एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड 15 mg, टर्ब्यूटालीन सल्फेट 1.25 mg एंड गुआफेंसिन 50 mg. नाउ विल डिस्कस अबाउट इट्स इंडिकेशन. सो बेसिकली ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हम यूज़ करते हैं टू रिलीव द सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड एंड कफ. जैसे कफ विद म्यूकस हो गया, उसको ट्रीट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. एंड प्लस हम इसको साइनसाइटिस के केस में देते हैं जब नेजल कैविटीज़ में इन्फ्लेमेशन हो जाता है. ब्रोंकाइटिस के केस में देते हैं जब ब्रोंकियोल्स जो स्मूथ मसल्स हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाए. प्लस इसको हम देते हैं एलर्जिक रिएक्शंस, जैसे एलर्जिक सिम्टम्स हो गए, रनी नोज, वाटरी आइज एंड प्लस स्टफ़ी नोज, उस सारे सिम्टम्स में हम ये कफ सिरप्स प्रिस्क्राइब करते हैं. सो बेसिकली नाउ विल डिस्कस अबाउट इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. जो फर्स्ट है एम्ब्रोक्सोल, नाउ इसका क्लास ऑफ ड्रग क्या है? इट इज़ अ म्यूकोलाइटिक एजेंट. सो बेसिकली म्यूकोलाइटिक एजेंट्स क्या करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं वेट कफ को ट्रीट करने के लिए. तो ये क्या करेंगे, जो म्यूकस है उसको ब्रेक डाउन करके उसको थिन कर देते हैं ताकि वो ईजिली पास आउट हो जाए. एंड सेकेंडली वी हैव टर्ब्यूटालीन सल्फेट. जो टर्ब्यूटालीन है वो क्या है, इट इज़ अ ब्रोंकोडाइलेटर. ब्रोंकोडाइलेटर बेसिकली इट वर्क्स बाय रिलैक्सिंग एंड ओपनिंग द एयरवेज विच मेक इट ईजियर टू ब्रीद. एंड थर्ड वी हैव गुआफेंसिन. जो गुआफेंसिन है इट इज़ अ म्यूको एक्टिव एजेंट, प्लस इसको एक्सपेक्टोरेंट भी बोलते हैं. जो एक्सपेक्टोरेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इट एक्ट्स बाई लूजनिंग म्यूकस इन द एयरवेज एंड मेकिंग कफ मोर प्रोडक्टिव. ये क्या करते हैं, जो म्यूकस है उसकी विस्कोसिटी को डिक्रीज कर देते हैं ताकि वो ईजिली एक्सपेल आउट हो जाए. एंड सेकेंड प्रोडक्ट वी हैव कॉफरिव LS. इसका जो कॉम्पोजिशन है, इट इज़ अगेन 100 ml सिरप एंड कॉम्पोजिशन इज ईच 5 ml कंटेन्स लीवोसालब्यूटामोल 1 mg, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड 30 mg एंड गुआफेंसिन 50 mg. हमने जो पहले डिस्कस किया था सेम कॉम्पोजिशन था बट उसमें टर्ब्यूटालीन था एंड इसमें हम लीवोसालब्यूटामोल ऐड हुआ है. नाउ विल डिस्कस अबाउट इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. जो लीवोसालब्यूटामोल है इट इज़ अ ब्रोंकोडाइलेटर. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ब्रोंकोडाइलेटर्स क्या करते हैं, ये जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स हैं उनको रिलैक्स करके वाइड कर देते हैं ताकि ब्रीदिंग प्रॉपरली हो. एंड जो सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, विजिंग साउंड एंड चेस्ट कंजेशन, वो सारे सिम्टम्स को रिड्यूस करने में हेल्पफुल होते हैं. एंड सेकेंडली वी हैव एम्ब्रोक्सोल, जो हमने पहले डिस्कस किया कॉफरिव AX में. एम्ब्रोक्सोल क्या करेगा, इट इज़ अ म्यूकोलाइटिक एजेंट्स विच हेल्प्स टू ब्रेक म्यूकस. एंड ये क्या करेगा, जो म्यूकस को ब्रेक डाउन करके उसको थिन करने में हेल्प करता है ताकि वो इजीली पास आउट हो जाए. एंड थर्ड वी हैव गुआफेंसिन. जो गुआफेंसिन है अगेन इट इज़ अ एक्सपेक्टोरेंट एंड म्यूको एक्टिव ड्रग विच जो क्या करेगा, जो हमारा म्यूकस का विस्कोसिटी है उसको डिक्रीज कर देता है, उसको लूज कर देगा, थिन कर देगा ताकि वो ईजिली एक्सपेल आउट हो जाए. एंड थर्ड प्रोडक्ट वी हैव कॉफरिव DX. कॉफरिव DX इट इज़ अगेन 100 ml सिरप एंड इट्स कॉम्पोजिशन इज ईच 5 ml कंटेन्स डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन 10 mg, क्लोरफेनिरामीन मेलिएट 2 mg एंड फिनाइलफ्रीन 5 mg. सो बेसिकली ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हम मोस्टली प्रिस्क्राइब करते हैं जब एलर्जिक सिम्टम्स आते हैं कफ एंड कोल्ड में. जब एलर्जिक सिम्टम्स जैसे रनी नोज, वाटरी आइज हो गया, ये सारे सिम्टम्स आते हैं, उस केस में हम इसको प्रिस्क्राइब करते हैं. Now we'll discuss about its mechanism of action, like how it will work. So first ingredient is dextromethorphan. Dextromethorphan, अब इसका कैटेगरी कौन सा है, इट इज़ अ कफ सप्रेसेंट. कफ सप्रेसेंट ये क्या करेगा, कफ को सप्रेस करेगा बाय एक्टिंग ऑन ब्रेन. ब्रेन में कफ सेंटर प्रेजेंट होता है जहाँ पे सिग्मा ओपोइड रिसेप्टर्स होते हैं. उन रिसेप्टर्स
पे एक्ट करके ये उसको एक्टिवेट कर देता है, जो कि हेल्पफुल होता है कफ को सप्रेस करने में. एंड सेकेंड इंग्रेडिएंट इज़ क्लोरफेनिरामीन मेलिएट, विच इज़ अ एंटी हिस्टामीन मेडिसिन. एंटी हिस्टामीन है तो बेसिकली ये क्या करेगा, जो हिस्टामीन है उसके एक्शन को ब्लॉक कर देगा. अभी हिस्टामीन जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शंस. जो भी एलर्जिक रिएक्शंस आ रही हैं, जैसे वॉटरी आइज़ हो गया, रनी नोज हो गया, ये एलर्जिक सिम्टम्स जो आ रहे हैं उनको ट्रीट करने में हेल्पफुल होता है एंटी हिस्टामीन्स. एंड थर्डली वी हैव फिनाइलफ्रीन. जो फिनाइलफ्रीन है इट इज़ अ नेज़ल डिकंजेस्टेंट. नेज़ल डिकंजेस्टेंट्स क्या करते हैं, जो स्वेलिंग है, साइनसाइटिस का प्रॉब्लम है, नेज़ल कैविटी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उस स्वेलिंग को रिड्यूस करेगा. एंड जो म्यूकस का ड्रेनेज है थ्रू साइनस नेज़ल कैविटी, उसको ये इंक्रीज कर देता है. एंड द लास्ट प्रोडक्ट वी हैव कॉफरिव बीएक्स. इट इज़ अगेन 100 ml सिरप एंड इट्स कॉम्पोजिशन इज़ ईच 5 ml कंटेन्स ब्रोम हेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड 8 mg, टर्ब्यूटालिन सल्फेट 2.5 mg, गुआफेंजिन 100 mg प्लस मैंथॉल 0.5 mg. सो ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें हमने एक एडिशनल ऐड किया हुआ है मैंथोल. सो नाउ वन बाय वन विल डिस्कस अबाउट इट्स इंग्रेडिएंट्स एंड इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हाउ इट विल वर्क. सो फर्स्टली वी हैव ब्रोम हेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड. जो ब्रोम हेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड है इट विल एक्ट एज अ म्यूकोलाइटिक एजेंट. म्यूकोलाइटिक एजेंट अगेन ये क्या करेगा, इट विल हेल्प टू ब्रेक डाउन म्यूकस, ताकि ईजिली जो पाउसा एक्सपेल आउट हो जाए म्यूकस. एंड सेकेंडली वी हैव टर्ब्यूटालिन सल्फेट विच विल एक्ट एज अ ब्रोंकोडाइलेटर. ब्रोंकोडाइलेटर क्या करेंगे, जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स हैं उनको रिलैक्स करेंगे, ताकि ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज जो आ रही हैं वो ना आए. एंड जो ब्रीदिंग को ईजी करने में हेल्पफुल करता है टर्ब्यूटालिन. एंड थर्ड वी हैव गुआफेंजिन. जो गुआफेंजिन है अभी इट विल एक्ट एज एन एक्सपेक्टोरेंट. एक्सपेक्टोरेंट क्या करते हैं, म्यूकस को एक्सपेल आउट करने में हेल्पफुल करते हैं बाय डिक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ म्यूकस. जो म्यूकस है उसको थिन कर देंगे, उसका विस्कोसिटी को डिक्रीज कर देंगे, ताकि वो इजीली एक्सपेल आउट हो जाए. एंड फोर्थ लास्ट इंग्रेडिएंट इज़ मैंथोल. मैंथोल ये कैसे एक्ट करेगा, इट विल प्रोवाइड अ कूलिंग इफेक्ट. एयरवेज में क्या करेगा, ये कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा, ताकि जो जैसे सोर थ्रॉट है, ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम है, तो एयर जो एयरवेज हैं वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड हो. एंड जो पेन वगैरह है उसको भी रिलीफ करने में हेल्पफुल होता है. सो ये सारे हमारे कॉफरेव का रेंज था, जिसमें हमने डिस्कस किया कॉफरेव AX, LS, DX एंड BX. थैंक यू फॉर योर वैल्युएबल टाइम.